नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको किसी के प्रति दया और डर दोनों ही लगेगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक फैजाबाद ज़िले की है और ये लगभग आज से 20 साल पुरानी कहानी है। आज से 20 साल पहले फैजाबाद ज़िले के एक गांव में कई सालों से पानी की किल्लत चली आती थी। वहाँ के नल और तालाब और कुएं सब सूख चुके थे, कहीं भी पानी नहीं था। गांव के लोगों को पानी के लिए बहुत तकलीफें थी। उन्हें पानी भरने के लिए अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और वहाँ पर गवर्नमेंट की लगाई हुई एक ट्यूबवेल थी और उसी ट्यूबवेल से गांव के लोग पानी भरकर लाया करते थे। एक दिन की बात है, एक सरोज नाम का लड़का अपने 3 दोस्तों के साथ अपने गांव से पानी भरने के लिए गया हुआ था। वो लोग पानी भरकर जब वापस आ रहे थे तो काफ़ी धूप थी उस समय और थक भी गए थे, तो लोग एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए और तभी सरोज अपने दोस्तों से एक कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि आज से 2 साल पहले मेरे गांव में एक औरत आई थी, उसकी गोद में 1.5 साल का बच्चा था और वो रो जोर जोर से रो रहा था। उसकी माँ प्यासी थी और वो गांव में सभी के घरों में पानी मांग रही थी, लेकिन उसे किसी ने पानी नहीं दिया और वो शायद हालात से बीमार भी थी। जब गांव में उसे कहीं पानी ना मिला तो वो निराश होकर वहाँ से जाने लगी। गांव के बाहर जा ही रही थी कि तभी उसे एक ठाकुर के घर में पानी दिखा। ठाकुर के घर के सामने एक घड़ा रखा हुआ था और उसी के ऊपर एक जग रखा हुआ था जिसमें वो पानी भरा हुआ था। वो औरत इतनी प्यासी थी कि बिना किसी के इजाज़त के वो दौड़ती हुई गई और उसमें से पानी निकाल कर पी लिया। और ये सब चीज़ें ठाकुर अपने घर से देख रहा था। उसने जैसे ही उस घड़े से पानी निकाल कर पिया, ठाकुर उसे देखकर आग बबूला हो गया और अपने घर से एक कुल्हाड़ी लेकर उस औरत के ऊपर दौड़ पड़ा। औरत अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चे को गोद में लेकर भागती रही, लेकिन बेचारी कहाँ तक भाग सकती थी। आखिर वो ठाकुर के पकड़ में आ ही गई। ठाकुर इतने गुस्से में था कि उसने एक कुल्हाड़ी उस औरत के सिर पे दे मारी और औरत वहीं पर छटपटा छटपटा कर मर गई। उस जमाने में लोग ठाकुरों से बहुत डरा करते थे, इसीलिए गांव के लोग भी उसके आसपास भी नहीं गए और उसकी लाश वहीं पर कुछ दिन तक पड़ी रही। फिर कुछ दिन के बाद पुलिस उस लाश को उठाकर लेकर चली गई और किसी की हिम्मत भी नहीं थी कि ठाकुर के खिलाफ जाकर कोई गवाही भी दे दे। उस औरत के मारने के बाद उसका बच्चा भी भूख से तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ दिया था। ऐसे ही कुछ दिन निकलते गए। एक दिन की बात है, रात के 2 बज रहे थे, सब अपने घर में सुकून की नींद सो रहे थे। तभी लगभग एक ज़ोरदार चीख मारने की आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी ज़ोरों की थी कि सबका दिल सुनकर दहल गया था। ये आवाज़ गांव से बाहर की आ रही थी। सब लोग उठे और दौड़ते हुए उस आवाज़ की तरफ गए और जब ये लोग उस आवाज़ के पास पहुँचे तो वहाँ पर वो ठाकुर था। किसी ने उस ठाकुर की बहुत ही बेरहमी से कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया था और यहीं से शुरू हो गया सिलसिला मौत का। धीरे धीरे करते ठाकुर के घर के सभी लोगों की हत्या हो गई और हत्या सिर्फ एक ही जैसी होती थी। ऐसा लगता था कि किसी ने इन सभी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया हो। गांव के लोग बहुत संकोच में थे कि आखिर ऐसा कर कौन रहा है, और कुछ लोग तो ये जानते थे कि ये वही औरत का किरदार धरा है जिसका कत्ल ठाकुर ने किया था, और ये बात सच थी। ये कहानी ख़त्म होने के बाद सरोज और उसके दोस्त पेड़ के नीचे से उठते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। ये लोग अपने गांव के पास ही पहुंचे थे कि तभी इन्हें एक बच्चा दिखता है। वो बच्चा बहुत ही गंदी हालात में था और वो इन दोनों से पानी मांग रहा था। सरोज और इनके दोस्त काफ़ी दूर से पानी लाए थे और चल चल के थक भी गए थे, पानी देने से मना कर दिए और वो लड़का रोता हुआ चला गया। शाम हुई, सरोज खाना खाया और सो गया। रात को लगभग 2 बजे के आसपास
बादलों में मौसम बहुत खराब हो चुका था और हवाएं जोर जोर से चल रही थी। तभी उसकी नाक खुल गई। उसको लग रहा था कि जैसे उन्हीं हवाओं में उसे कोई पुकार रहा है और उससे पानी मांग रहा है। वो अपनी खटिया से उठा और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा शायद उसका कोई कान बज रहा हो। वो अपनी खटिया से उठकर गया और पेशाब करने लगा। वो पेशाब कर ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्चा था जो दिन में पानी मांग रहा था। लेकिन इस बार वो बच्चा नॉर्मल नहीं लग रहा था। इस बार वो बच्चा बहुत ही भयानक और बुरा दिख रहा था और वो मुझे बहुत ही बुरी तरीके से देख रहा था। ये देखकर सरोज ज़मीन में गिर जाता है और घसीटते हुए अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है। तभी बच्चे के पीछे से उसकी माँ आती है और उस माँ के हाथ में वही कुल्हाड़ी होती है जिससे आज 2 साल पहले ठाकुर ने उसका कत्ल किया था। वो दोनों माँ और बच्चे दोनों पानी मांग रहे थे उससे, लेकिन सरोज तो बहुत डरा हुआ था। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। सरोज को लग रहा था कि आज उसका आखिरी दिन है, आज वो बचेगा नहीं। तभी आसमान में एक बिजली कड़की और जोर से बारिश होने लगी। बारिश होते ही बच्चा और वो माँ दोनों आसमान की तरफ देखने लगे और आसमान की तरफ देखते ही देखते वो दोनों गायब हो गए। शायद उन दोनों को पानी मिल चुका था। फिर सरोज वहाँ से उठा और अपने दौड़ता हुआ अपने घर में गया। उसकी सांसें बहुत जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अपने घर में जाकर भगवान का रोते हुए बहुत शुक्र अदा किया, भगवान ने उसकी जो जान बचा ली थी खास टाइम पर बारिश करके।